सोशल मीडिया के जितने फायदे हैं उतने ही नुकसान भी है। ऐसा ही एक केस जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत परिसर में सामने आया है। फेसबुक पर दोस्ती कर प्रेम जाल में फंसा कर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध प्रस्थापित करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत के आधार पर गुनाह दर्ज कर जाँच आरम्भ कर दी है। जरीपटका पुलिस थाना अंतर्गत रहने वाली 34 वर्षीय महिला ने 32 वर्षीय विवेक सुखदेव फाले नामक व्यक्ति के नाम पर रेप की शिकायत दर्ज की है। पुलिस को मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित महिला और आरोपी एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। वर्ष 2014 में आरोपी और पीड़िता में फेसबुक द्वारा दोस्ती हुई। दोनों के बीच बातचीत बढ़ी और दोस्ती का रूपांतरण प्रेम संबंध में हो गया। बात आगे बढ़कर वर्ष 2019 में दोनों की सगाई भी हुई। उसके बाद शादी का झांसा देकर आरोपी ने पीड़िता से कई बार दुष्कर्म किया, लेकिन शादी की बात करने पर वो बात टाल देता था। इतना ही नहीं, आरोपी ने पीड़िता को अंधेरे में रखकर दूसरी शादी भी कर ली, जिसे परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी। आरोपी के खिलाफ कोई पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला है। जरीपटका पुलिस स्टेशन हद्दीत राणावी 34 वर्षीय पीड़िता हिच्यावर आरोपी नामी विवेक सुखदेव फाले व 32 वर्षीय राहणार इंदिरा नगर जरीपटका नागपूर याने सन 2014 फेसबुक द्वारे यांची ओळख झाली, त्याचं प्रेमात रूपांतर झाले। नंतर त्यांचा 2019 साक्षगंध झाला आणि साक्षगंधानंतर यातील आरोपी याने पीडितेशी वारंवार शारीरिक संबंध केले, लग्नाचं आमिष दाखवून लग्न करण्यास यातील आरोपी हा टाळाटाळ करत होता। आणि नंतर यातील आरोपीने दुसरे लग्न केल्याने पीडितेने जरीपटका पोलीस स्टेशन येथे दिलेल्या तक्रारीवरून यातील आरोपी याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। यातील आरोपी याच्यावर पूर्वीचे गुन्हे दाखल नाही, परंतु 2014 यांनी फेसबुकद्वारे यांची ओळख झाली पीडितेची आणि आरोपीचे, आणि 2019 यांनी सर्व नातेवाईकांच्या उपस्थितीमध्ये लग्न करण्यासंबंधी साक्षगंध केला। साक्षगंध झाला असल्याने पीडितेचा विश्वास संपादन करून यातील आरोपीने लग्न करायचे असे कारण सांगून वेळोवेळी शारीरिक संबंध केलेला आहे। बीकेबी न्यूज के लिए कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ ऐश्वर्या शिंदे की रिपोर्ट।